निकालना है TE, that is expected time for completion of an activity. So write a column and name it as TE. TE, we already discussed that TE means expected time for completion of the activity. Okay, this may be denoted as new. कहीं कहीं ये विद्युत से भी denote करता है. नहीं है टीई और न्यू दोनों एक ही है, गंगाधर शक्तिमान है. ठीक है, तो आते हैं कैसे निकाला जाता है इसको. फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं पहले हम लोग. टीई इक्वल टू टी नॉट प्लस फोर टाइम टी एम प्लस टीपी डिवाइड बाय सिक्स. जो भी है फोर सॉरी सिक्स टाइम फोर फॉर मोस्ट लाइकली टाइम वन फॉर पेसिमिस्टिक टाइम एंड वन फॉर ऑप्टिमिस्टिक टाइम. फोर प्लस टू इक्वल टू सिक्स. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय सिक्स. सो दिस इज टी. टी ए हम लोग यहां निकालेंगे और फिर सबको हम लोग कैल्सियम में करेंगे. मेरे पास कैल्सियम नहीं, सो आई एम गोइंग टू यूज माय वाइट मोबाइल का यूज करेंगे हम. A क्वेश्चन 4 टाइम्स 6 624 प्लस 4 प्लस 8 36 डिवाइड बाय 6 इट इज 6. ये 6 आ गया. B में आते हैं 7 बाय 28 यहां पे एक चीज है कि बस पहले के लिए है A के लिए एक्सपेक्टेड टाइम फॉर A के लिए. तो 4 प्लस 6 इनटू 4 24 प्लस 8 डिवाइड बाय 6 ठीक है.
आ गया हमारा सिक्स आ गया है ठीक है। बाकी जो नीचे वाले हैं बी से बी एक्टिविटी का टी हम लोग कैल्सियम निकालेंगे आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं एक हम निकाले सिर्फ ए का। सो 48 divided by 6 48 divided by 6 8 48 again 8 48 divided by 6 आ गया हाँ 4 2 8 18 plus 15 plus 25 120 divided by 6 20 आ गया ये ओके 18 into 4 72 plus 10 plus 26 108 108 divided by 6 18 कहीं भी मिस्टेक होगा उस वॉल्यूम में रिकॉल अस और रिकॉल की कहीं भी दिक्कत होगा 9 to 36 plus 8 plus 16 it's 16 divided by 6 10 आ जाएगा ये now 8 plus 4 plus 12 48 divided by 8 8 again 4 2 8 8 plus 3 plus 1 2 days and last 7 plus 28 plus 6 plus 8 42 7 आ गया। What the TE means जो ये निकाले उसका मतलब क्या है आप लोग के मन में यही क्वेश्चन होगा तो मेरा आंसर क्या है This is the expected time for completion of activity A. Six days is the expected time for the completion of activity A. अब समझ में आ गया होगा कि सर क्या निकाल रहे थे अब सबको क्लियर हो गया होगा कि ये सर निकाल क्या रहे थे यही निकाल रहे थे बाबू Six day is the completion of activity A. कोई सा भी 7 डे का कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी आई ये बीच में प्रिडिक्शन नहीं देखेंगे हम लोग जो एक्टिविटी है उसके कंप्लीट होने का टाइम 7 ठीक है उसके कंप्लीट होने का टाइम 7 अब निकालेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है हम देख चुके थे पहले टीपी माइनस टीए डिवाइड बाय 6 टीपी माइनस टीए डिवाइड बाय 6 टीपी माइनस टीए डिवाइड बाय 6 ठीक है इसको 1/3 कर सकते हैं 1/3 कर लीजिए 1/3 प्लीज मेक श्योर और प्लीज ट्राई टू राइट इट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे पॉइंट में नहीं करेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट में कर देंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन फ्रैक्शन में सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आसान हो जाता है हमारे लिए पॉइंट में फिर पॉइंट बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है कहां तक लिखेंगे 1.33 आ गया 0.33333 कहां लिखते रहेंगे आप कहां तक लिखेंगे ठीक है इसमें सब फ्रैक्शन में रख के छोड़ देंगे इनिशियल फेज में सिग्मा ए निकाल लिए 15 - 5 10 - 6 10 - 6 = 5/3 12 - 4 = 8 8 - 6 8 - 6 8 by 6 4 by 3 again 25 minus 15 10 10 by 6 10 by 6 4 6 16 by 6 formula में 6 divide में 16 by 6 divide by 8 16 by 6 8 8 by 6 8 by 6 4 by 3
12 - 4 is 8, or 8 by 6 again is 4 by 3. 3 - 1 is now get 2 by 6. 2 by 6 is 1 by 3. 1 by 3. 8 - 6 is now get 2. 2 by 6 is 1 by 3. So this is the standard deviation for the activity, different activity. Standard deviation क्या बताता है? Deviation from our main, ठीक है, main value जो है उससे कितना deviation है, तो हम कैसे निकालें specificity को आपको देखिए, ठीक है, जहां से हम निकाल सकते हैं. अब एक चीज और डिस्कस करना चाहेंगे हम. ये यहाँ पे हम इसको पॉज कर रहे हैं, नहीं एक चीज और वेरिएंस निकाल लेते हैं. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? इसका स्क्वायर कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस फॉर्मूला, हम डिस्कस किए थे, ठीक है. सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस, और वी नो दैट हायर द वैल्यू ऑफ वेरिएंस higher will be the uncertainty, ठीक है, higher the value of the variance, higher will be uncertainty. और अगर variance की value ज्यादा हो जाएगी हम से, तो वो uncertainty हम लोग ज्यादा देगा, यानी project completion में uncertainty. यहाँ पे uncertainty मतलब project completion में uncertainty, यानी अगर variance वहाँ ज्यादा है, तो क्या कुछ activity A 6 days दिखा रहा है, तो maybe this project may complete in 6 days or more. 6 दिन से ज्यादा भी लग सकता है. ये uncertainty में बताता है variance. तो variance क्या होता है? Sigma square. ठीक है, ये variance है. बस t minus t naught by 6 का square. एक करते हैं 1/3 का square. क्योंकि sigma निकाल चुके हैं, यहाँ कर सकते हो 1/3 का square मिल गया, हो गया 1/9. तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इसे स्क्वायर करते हैं 1/9, 25/9, 16/9, 25/9, 16/4/9, 16/9, 16/9. 1/9 and then 1/9. This is the variance. इसकी वजह से ज्यादा है, यहाँ अनसर्टेनिटी है, यानी जो एक्टिविटी एच है हमारा, एच नहीं एक्टिविटी जी है, उसके एक डे में कंप्लीशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो अनसर्टेन है, यानी इसके कंप्लीशन में 8 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं. ओके, गॉट इट, समझ में आ गया. अब ये क्वेश्चन आप लोग इधर वाला क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रफ इट एंड आई एम गोइंग टू ड्रा द नेटवर्क डायग्राम, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम आप लोग जब बनाएंगे तो हो सकता है लेट हो जाए, इसलिए हम लोग टाइम बचाने के लिए याद रखेंगे ये वैल्यू, टीई की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है, एक मिनट याद रखेंगे. दिख रहा है? एक मिनट. ओके, दिख रहा है, ठीक है. टी की वैल्यू सबको याद रखिएगा, और ये एक्टिविटी आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फास्ट, ठीक है. टी की वैल्यू कहीं पर लेफ्ट साइड में, टी की 8, 8, 20, 18, 10, 8, 2, and then 7. T means expected time for the completion of the. ओके, सॉरी, इसको भी नहीं दिख रहा होगा, देखने की मौका ना करते हैं डिपार्टमेंट
तीन पे वहां तीन पे रहेंगे और मिल जाएगा फोर। ओके मेट्रो डायग्राम मेरे पास बना हुआ है पहले से है बना चुके हैं। ओके बिहेवियर एक्टिविटीज एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी ए। फॉर्मूले से हम निकाल चुके हैं 6 डे इज द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए एंड वी नो दैट बाय कंप्लीटिंग स्मॉल एक्टिविटी वी विल एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है छोटे छोटे काम करके हम लोग कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं ये हम इतना जानते हैं। ठीक है तो आइए नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तुरंत हम लोग क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैव नेटवर्क डायग्राम इसी से बेसिस जैसे कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन का होगा पूछ सकेगा। Activity A, then C, Activity B, then C, Activity D, Activity F, Activity E, Activity H, Activity G, and Activity I. Okay, so this is different activities. ये अलग अलग एक्टिविटी है अलग अलग एक्टिविटी यहां पर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू राइट द टी वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द एक्टिविटी। जो टी की वैल्यू दिस एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग दिस एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग उसके बगल में वहां देखते हुए एक्सपेक्टेड टाइम लिखेंगे। सो 6 डे इज द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए। 8 day for the B, then 8 day for the C, then 20 day for the D, then 18 day for the E, then 10 days for the G, then H will be 8 day. A के लिए 6, B के लिए 8, C के लिए 8, D के लिए 20, E के लिए 18, F के लिए 10 होगा, F के लिए 10 है, G के लिए 8 है, प्रॉपर तो क्या है, G के लिए 8 है, then H के लिए 2 days. H के लिए 2 days and then I के लिए 7 days. So this is the expected time for the completion of the project. Project task के start होगा 1 से और task complete होगा 8 पे. ठीक है? अब आते हैं कौन-कौन से इसमें part हो सकते हैं जिससे हम project complete कर सकते हैं. पहले हम यहाँ part लिखते हैं. कौन-कौन से part हो सकते हैं? रास्ते जैसे हम बच्चों खेलते थे ना कि जैसे मोबाइल में आता था कि अपने बॉल को डालते थे किसी और होल में। ठीक है तो उसके लिए क्या करना है हम लोग को एक तक पहुंचना है वहां से स्टार्ट करना है एक तक पहुंचना है तो कौन कौन से रास्ते होंगे। तो पहला रास्ता होगा हम लोग का वहां से स्टार्ट के लिए वन के बाद टू आएंगे टू के बाद चलेंगे डिब्बे थ्री के बाद गए सिक्स पे सिक्स के बाद सेवन पे एंड देन एट पे। तो ये क्या हो गया ये एक रास्ता हो गया पाथ बट दिस इज द नॉट क्रिटिकल पाथ ये क्रिटिकल पाथ नहीं है बट दिस इज द पाथ। घर जाने के लिए आप लोग के पास बहुत से रास्ते होंगे
लेकिन एक शॉर्टेज ग्रुप होगा, ठीक है, या कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप लोग को घर पे आराम से पहुंच जाते हैं, बस आपको घर पहुंचना है, आपको रास्ते ढूंढने हैं। पहला रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और 2 दोनों दिखाई देगा, फिर हम लोग 3 पे आते हैं, देन 5, देन 7 एंड देन 8, इसमें बैक नहीं आना है, ठीक है, हम लोग को आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि 3 के बाद बाइक आगे की ऊपर आ गया, नहीं, हमेशा हम लोग को फॉरवर्ड मोशन में रहना है, ठीक है। नाउ एक और बात होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सॉरी 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 5, 7, 8, ठीक है। अब आप लोगों को पता लगाना है क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, फाइंड आउट क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ कैसे पता करेंगे, वो रास्ता देखिए जिसमें आप लोग का मैक्सिमम टाइम लग रहा है, वो रास्ता देखिए जिसमें आप लोग को मैक्सिमम टाइम लग रहा है, मैक्सिमम टाइम किसमें लग रहा है, आइए देखते हैं वन बाय वन। पहले में 6 है, इसको हम रफ में कर रहे हैं, 6, 1 से 2 आने में 6, 2 से 3 आने में 8, प्लस 3 से 6 आने में 18, प्लस 6 से 7 आने में 8, प्लस 7 से 8 आने में 7, इसकी कुछ वैल्यू होगी निकाल लेंगे, 1 से 2 आने में 6, प्लस 2 से 3 आने में अगेन 8, प्लस 3 से 5 आने में 20, प्लस 5 से 7 आने में 2, प्लस 7 से 8 आने में 7, इसको ऐड करेंगे हम लोग, 1 से 2 आने में 6, प्लस 2 से 4 आने में 8, प्लस 4 से 5 आने में 10, प्लस 5 से 7 आने में 2, प्लस 7 से 8 आने में अगेन 7, इसको ऐड करते हैं, जिसमें जिस पाथ में आपको लोग को मैक्सिमम डे मिल रहा है एक्सपेक्टेड डे, वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। चलिए शॉर्ट करते हैं लोग, इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ओके, सो 6 + 8 + 18 + 8 + 7 इट्स 47, 47 आ रहा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 6 + 8 + 20 + 2 + 7 ये 43 आ रहा है, वी आर काउंटिंग 43 डेज, 6 + 8 + 10 + 2 + 7 ये 43 आ रहा है, 43 डे। तो हम लोग को क्या पता करना है, जो मैक्सिमम होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, यानी पाथ नंबर 1 to 2, 1 से 2, 2 से 3 एरो बना लेंगे, 3 से 6, 6 से 7 एंड देन 7 to 8 ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ है, किसी का क्रिटिकल पाथ, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। कैसे पता कि जो मैक्सिमम डे है वो हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ है, 1 2 3 6 7 8, ठीक है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक और क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ हम लोगों को पहला क्वेश्चन क्या करना है, क्रिटिकल पाथ हम लोग ध्यान से निकाल देंगे, अब इसको रख करने जा रहे हैं हम।
लास्ट 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया? ए से बी, बी से ई, ई से जी और जी से आई, ये कितना हो गया? 47 हो गया। मींस ए एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, वी विल मूव टुवर्ड बी, नॉट सी, सी को छोड़ देंगे हम लोग क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ नहीं है। देन ई, देन जी एंड देन आई, ये एक्टिविटी हम फॉलो करेंगे। कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते फॉलो करने हैं ऐसे हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग से पूछा है, जब क्वेश्चन हम लिखवाए नहीं बस क्वेश्चन लिख लिया हम लोग। दूसरा पूछा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 50 डेज। ये तो नहीं हो पाएगा अभी। डिटरमाइन द कंप्लीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट इन द 50 डेज। एक फॉर्मूला है वो लिखना चाहेंगे हम। फॉर्मूला डिस्कस ये है कि नहीं आपको याद नहीं आ रहा है? फॉर्मूला क्या है? Z is equal to TS minus TE divided by sigma. TS minus TE divided by sigma. यहाँ पे TS और TE है क्या? TS जो 50 है, 50 दिन, और TE हमारा expected time है, ठीक है। 50 दिन 50 डेज का शेड्यूल टाइम व्हिच इज गिवन बाय टीएस एंड टीई, द एक्सपेक्टेड टाइम जो 47 डे है आ चुका है, डिवाइड बाय सिग्मा। सिग्मा कौन सा ले, क्योंकि अब इतना सिग्मा निकाल चुके हम लोग, सिग्मा कौन सा लिया जाए? तो सिग्मा जो क्रिटिकल पाथ पे होगा, क्रिटिकल पाथ पे होगा 1 से 2 के बीच वाला, सॉरी एक्टिविटी ए वाला, एक्टिविटी बी वाला, एक्टिविटी सी वाला, बाकी सब सिग्मा छोड़ देंगे। ये सिग्मा जो क्रिटिकल पाथ पे होगा वो निकालेंगे, ठीक है। अरे सिग्मा निकालिए, जेड क्या प्रोबेबिलिटी हमारी, ठीक है। सिग्मा निकालते हैं हम लोग, सिग्मा कितना आएगा? 2/3। अरे सिग्मा का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का डिस्कस कर लीजिए सर। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां पे अगर जो सिग्मा रहेगा वो कौन सा रहेगा? क्रिटिकल पाथ वाला रहेगा। तो सिग्मा रहेगा क्रिटिकल पाथ वाला रहेगा, ये फॉर्मूले के होंगे। तो सिग्मा क्रिटिकल पाथ वाला कौन कौन सा है? 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर प्लस, और क्या निकाले हम लोग? 5/3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 8/3, 8/3 का स्क्वायर, यहाँ पे इट्स 6, 8/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर 3.496 द शेड्यूल डेट फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का शेड्यूल डेट है वो 50 डेज है, ठीक है। तो 50 माइनस एक्सपेक्टेड डे जो निकाले हैं 47 जो हमारा क्रिटिकल पाथ आया है 47, देन डिवाइड बाय सिग्मा, दैट इज 3.496 जो हम यहां निकाले हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/3.496 0.8581, 0.8581, ठीक है। और भी चीजें हैं जो यहाँ पे
निकालनी है बट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ टाइम ठीक है आई एम गोइंग टू